एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए गाइस, देखते हैं आज बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथ आय नमः। चलिए देखते हैं बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से आप लोग लीजिएगा। हमारा फर्स्ट कार्ड निकल गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक और ले लेते हैं। चलिए नौ। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं बाबा का संदेश हमारे लिए क्या आया है आज। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बोलना नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बात आपको करने की जरूरत ही नहीं है। चुपचाप रहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपके बात की, आपकी सोच की, आपके थॉट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। यानी आपकी कोई बात की इज्जत नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा है आप चुपचाप वो चीज़ें सुनते रहे। हाँ, यदि कोई आपसे राय ले या पूछे तो ज़रूर आप उससे बता सकते हैं या बात कर सकते हैं, या बात करिए या समझाइए या बोलिए। अदरवाइज आप चुप ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, बाबा का ये कहना है। ये और हम कैसे समझेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए, क्योंकि हम ये काम करते हैं तो हमसे रिलेट करेगी, ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। कुछ लोगों के लिए बाबा ने बोला है तीन मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब जीवन में लौट के आएगा। ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं या उनको एंजाइटी रहती है, जो मुंह में आता है बोल देते, ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला हर्ट होगा, उसको तकलीफ होगी मेरी बातों से। तो बाबा का यही कहना है कि सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये रिपीट, ये डबल होके आपके पास चीज आएगी। अगर आज आप किसी का दिल दुखाते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो अपनी बारी के लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि ये चीज वापस आपके पास आने वाली है। कसमें और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। गाइस, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के काम नहीं हो रहे, होते होते रुक जा रहा है, ऊपर जाते जाते बिल्कुल नीचे आ जा रहे हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हो सकता है आप लोगों ने कुछ ऐसी मन्नत मांगी हो, कुछ ऐसे भगवान को बोला हो, अपने वचन दिया हो कि ये मेरा काम पूरा हो जाएगा तो आपके लिए मैं ये करूँगा, या किसी और के लिए ये करूँगा। जो ईश्वर को वचन दिया था वो वचन आपने तोड़ा है, पूरा नहीं किया। जो मन्नत है उसको पूरा करिए। यदि आपको नहीं पता है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स ने मांगी हो ये मन्नत, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा हो, और अगर फिर भी आपको पता ना चले तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको वो बताए, आपको वो गाइड करे कि किसने मन्नत मांगी थी। आप जब प्रार्थना करेंगे इस चीज को लेके तो 100% आपको आपके सपने में आके या फिर किसी के थ्रू मैसेज देके ईश्वर अपनी बात जरूर आप तक पहुंचा देंगे, ये बात कि आपने किस देवी देवता की मन्नत मांगी थी जो अधूरी है, आपने पूरी नहीं की है, ठीक है। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी, एक ही सिक्के के दो पहलू। अभी यदि आपको कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है टेंशन में, परेशानी है, डिस्टर्ब है, तो बाबा का क्लियर संदेश है ये सिक्के के दो पहलू। आज हम कल खुश थे, आज आप दुखी हैं, आज दुखी हैं तो आने वाले कल में फिर खुश हो जाएंगे। ये समय है, ये जीवन है, ये ऐसे ही चलेगा। तो ज़्यादा आप परेशान मत होइए, टेंशन में मत रहिए। आज आप परेशान हैं, कल ये परेशानी पूरी आपकी खत्म हो जाएगी। उत्सव, कुछ गुड न्यूज़ गाइस आपको मिलने वाली है। हो सकता है किसी को माँ बनने की खुशी मिल रही हो, गुड न्यूज़ मिलेगी उसको, खुशी मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों ने आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए प्लान कर रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों ने जो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम थे, रिजल्ट वगैरह आने वाला था, उसके लिए गुड न्यूज़। यानी कि आपको गुड न्यूज़, जो भी ये देख रहा है, यदि वेट कर रहे थे किसी चीज का, न्यूज का, तो गुड न्यूज आपको मिलने वाली है।
अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए, आपको क्या करना है। कुछ लोग को तो समझ में नहीं आ रहा, बस जिए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं काम। लाइफ पर्पस क्या है आपका, क्यों इस संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, ये आपको सोचना है। वो काम आपको करना है जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, घर परिवार चला रहे, लेकिन आप खुश नहीं है, तो हो सकता है आप कुछ और करना चाहते हो। अपनी बात पे गौर कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपका पहले गोल क्या था, आप उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति आता है गाइस, कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी है, डिस्टर्ब, एंजाइटी हो रही है, तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और उन किताबों को, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी स्टोरी पढ़िए और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारिए। ना कि बुक पढ़ के छोड़ दी, नहीं, अपनी लाइफ में उतारिए, उस पर अमल करिए और फिर सामने वाले को बताइए, तो उसका इम्प्रेशन ज़्यादा आपकी बातों का उस पर असर होगा। रीज़न, क्योंकि आप भी उस चीज़ को अपनी लाइफ में आपने उतारा है इसलिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, कि हो सकता है आपके थ्रू कुछ लोगों की उलझन सुलझ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।